नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे ट्रेड थ्योरी मैकेनिक मोटर व्हीकल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्लच प्लेट एक शक्तिशाली स्प्रिंग द्वारा डैश के सहारे लगी रहती है। ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट, फ्लाई व्हील, जर्नल और प्रोपेलर शाफ्ट। तो जो क्लच प्लेट होती है वो अटैच रहती है फ्लाई व्हील के साथ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लाई व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक घर्षण क्लच नहीं है, मीन्स फ्रिक्शन क्लच नहीं है। जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, कोन क्लच, डिस्क क्लच, फ्लूड क्लच एंड सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, फ्लूड क्लच, क्योंकि यह फ्लूड ऑयल में डूब के चलता है तो इसमें फ्रिक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोमस गियर बॉक्स के साथ किस प्रकार के क्लच का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है फ्लूड क्लच, डॉग क्लच, सिंगल प्लेट क्लच एंड सेमी सेंट्रिफ्यूगल क्लच। तो राइट आंसर है इसका डॉग क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज एन ऑटोमेटिक क्लच, इनमें से कौन सा एक स्वचालित क्लच है। राइट आंसर है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, जो कि स्कूटी में भी लगा रहता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर आउटपुट ऑफ एन इंजन एट द फ्लाई व्हील इज कॉल्ड। जो फ्लाई व्हील पे पावर मिलती है, शक्ति प्राप्त होती है, उस शक्ति को हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस है नॉमिनल हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, मैकेनिकल हॉर्स पावर। राइट आंसर होगा ब्रेक हॉर्स पावर। जो हमारा इंजन का फ्लाई व्हील होता है तो उस पे हमें BHP प्राप्त होती है, ब्रेक हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिस्टन के ऊपर सिलेंडर का आयतन जब यह TDC पर होता है को क्या कहा जाता है। तो पहले जान लेते हैं TDC की फुल फॉर्म, TDC क्या होता है। TDC की फुल फॉर्म होती है टॉप डेड सेंटर, मींस जहाँ तक टॉप में मैक्सिमम पिस्टन ट्रेवल कर सकता है, उसके ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता है, तो उसको टॉप डेड सेंटर कहते हैं। और उसके और सिलेंडर हेड के बीच में जो भी जगह रहती है उसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लियरेंस वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन सिलेंडर के आंतरिक व्यास को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है, मींस इंटरनल डायमीटर ऑफ इंजन सिलेंडर। कोर कहते हैं, बोर कहते हैं, होल कहते हैं या फिर ग्रूव कहते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बोर। तो जो इंटरनल डायमीटर होता है इंजन सिलेंडर का उसको हम बोर कहते हैं, जिसमें हम सिलेंडर लाइनर भी फिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्ट्रोक इंजन में तीन पोर्ट होते हैं जो है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से कौन कौन से पोर्ट टू स्ट्रोक इंजन में होते हैं। एक होता है इनलेट पोर्ट, एक होता है ट्रांसफर पोर्ट और होता है एग्जॉस्ट पोर्ट। तीन पोर्ट होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डीजल इंजन लेआउट इज शोन इन फिगर गिवन बिलो। नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार के डीजल इंजन का लेआउट दिखाया गया है। तो हमें फिगर देखनी है और इससे पता लगाना है कि कौन सा टाइप का इंजन है। फर्स्ट इनलाइन टाइप, वी टाइप, रेडियल टाइप एंड हॉरिजेंटल अपोज टाइप। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रेडियल टाइप। ये इंजन रेडियल टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे। इंजन पर किए गए इनमें से कौन से कार्यों का परिणाम अधिक शक्ति होगा। विच ऑफ दिस एक्शन टेकन ऑन द इंजन विल रिजल्ट इन मोर पावर, मीन्स इंजन ज़्यादा पावर कब देगा। इंक्रीज डिस्प्लेसमेंट, इंक्रीज कंप्रेशन रेशियो, कूल इनकमिंग एयर एंड ऑल ऑफ दिस।
तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हम कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने पे हमें इंजन की एफिशिएंसी बढ़ती है, और ठंडी एयर अगर कंबशन चैम्बर में जाएगी तो वह ज़्यादा कंप्रेस होगी, तब भी इंजन एफिशिएंसी मैक्सिमम रहती है, और डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे तो ज़्यादा रहेगी एफिशिएंसी इंजन की। क्वेश्चन नंबर 11, मारुति 800 एंड नैनो कार्स आर, मारुति 800 और नैनो कार हैं, तो ये जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है बॉडी टाइप से रिलेटेड, कि किस टाइप की बॉडी है मारुति 800 एंड नैनो की, या किस टाइप की कार है। तो ऑप्शन ए है मिनी कार, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट कार, ऑप्शन सी मिड साइज कार, एंड ऑप्शन डी एग्जीक्यूटिव कार्स। तो राइट आंसर होगा इसका मिनी कार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भार के आधार पर कारों और जीपों को कैसे वर्गीकृत करेंगे, क्लासिफाई करना है कार्स और जीप को इन चार ऑप्शनों में। क्या ये हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहलाते हैं, हैवी मोटर व्हीकल कहलाते हैं, या लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहलाते हैं, या लाइट मोटर व्हीकल कहलाते हैं। तो आपने कभी नोटिस किया होगा जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है जिसमें LMV लिखा रहता है, तो वह लाइट मोटर व्हीकल होता है LMV की फुल फॉर्म, तो वह LMV लाइसेंस वाले कार और जीप चला सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा लाइट मोटर व्हीकल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन, तो कहाँ पे लोकेटेड है, बेंगलोर में, चेन्नई में, पुणे में एंड कोलकाता में। राइट आंसर है इसका पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्ट्रोक इंजन के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस है इसमें कोई वाल्व नहीं होता, राइट है, टू स्ट्रोक में कोई भी वाल्व नहीं होता है, पोर्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर स्ट्रोक इंजन की तुलना में इसमें गतिशील भागों की संख्या कम है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, फोर स्ट्रोक इंजन की तुलना में इसकी दक्षता कम होती है, जो एफिशिएंसी होती है टू स्ट्रोक इंजन की कम होती है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर स्ट्रोक इंजन में स्ट्रोक का सही क्रम क्या है, करेक्ट सीक्वेंस लगाने। तो पहला पहला होता है स्ट्रोक इंडक्शन, देन होता है कंप्रेशन, देन होता है पावर एंड एग्जॉस्ट। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इंडक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस अवधि के दौरान दोनों वाल्व खुले रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो जब हमारा इंजन चलता है तो उस समय एक ऐसा पीरियड आता है जब हमारा इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों थोड़े टाइम के लिए खुले रहते हैं, तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, समकालिक अवधि, सामूहिक अवधि, ओवरलैप अवधि, या फिर सीरीज अवधि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओवरलैप पीरियड। दो वाल्व जब एक साथ खुले रहते हैं तो उसको ओवरलैप पीरियड कहते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक स्टोरेज बैटरी का आकार किसके रूप में वर्णित किया जाता है, तो जो स्टोरेज बैटरी होती है किस रूप में नापते हैं उसकी एफिशिएंसी, वाट, एम्पियर, एम्पियर हावर, या फिर वोल्ट। तो राइट आंसर है एम्पियर हावर में स्टोरेज बैटरी को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूटेड सिट्रिक एसिड। तो राइट आंसर है इसका डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एसिड बैटरी का प्रत्येक सेल उत्पन्न करता है, तो कितनी कितनी एनर्जी डेवलप करता है, 1.1 वोल्ट, 2.1 वोल्ट, 3.1 वोल्ट एंड 4.1 वोल्ट। तो राइट आंसर होगा जो बैटरी का एक सेल 2.1 वोल्ट की एनर्जी डेवलप करता है, तो जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है हमारी उसमें 6 वोल्ट 6 सेल लगे रहते हैं और प्रत्येक सेल 2.1 वोल्ट
एफिशिएंसी डेवलप करते हैं। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 12 वोल्ट बैटरी की, वो होती है 12.6 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज़ अ गेयर बॉक्स नेसेसरी इन अ व्हीकल। गेयर बॉक्स वाहन में क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है, अलग अलग टॉर्क पाने के लिए, विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए, अलग अलग टॉर्क और विभिन्न गतियाँ दोनों प्राप्त करने के लिए, एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंट टॉर्क एंड डिफरेंट स्पीड बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए आकृति में दिखाया गया गियर किस प्रकार का है? राइट आंसर, चार ऑप्शन है, स्पर गियर, बी बेवल गियर, हेलिकल गियर एंड रैक एंड पिनियन गियर। तो राइट आंसर है रैक एंड पिनियन गियर। रैक एंड पिनियन गियर का यूज़ जो होता है ज़्यादातर होता है स्टेयरिंग में, स्टेयरिंग रैक में रैक एंड पिनियन गियर का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइडिंग मैस गियर बॉक्स में किस प्रकार के गियर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है, स्पर गियर, बेवल गियर, हेलिकल गियर एंड हेरिंग बोन गियर। राइट आंसर है इसका स्पर गियर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर मैस मींस कांस्टेंट मैस गियर बॉक्स में गियर में दांते होते हैं जो शाफ्ट अक्ष पर झुके होते हैं, इस प्रकार के गियर को क्या कहा जाता है? तो कौन से टाइप का गियर होता है वो? वर्म गियर, स्पर गियर, हेलिकल गियर एंड बेवल गियर। तो राइट आंसर होगा हेलिकल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज विन स्टैंड फॉर एज रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल? ऑटोमोबाइल से संबंधित विन का क्या मतलब है? तो विन की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पे। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी परीक्षण की गैर विनाशकारी विधि है? ऑप्शन है, चुंबकीय कण परीक्षण, डाइपेंड्रेट परीक्षण, रेडियोग्राफिक परीक्षण या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी तीनों जो परीक्षण है ये गैर विनाशकारी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचाने कि इंजन का कौन सा पुर्जा नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। तो जो इमेज में है कौन सा पार्ट्स है इंजन का? टेम्पलेट है, ऑयल सील है, हेड गैस्केट है या फिर पिस्टन रिंग है? तो राइट आंसर हेड गैस्केट। हेड गैस्केट कहाँ लोकेट रहती है? इंजन हेड और इंजन ब्लॉक के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट में शक्ति क्या संचरित करता है? व्हाट ट्रांसमिट्स पावर फ्रॉम द पिस्टन टू द क्रैंकशाफ्ट? तो पिस्टन से जो क्रैंकशाफ्ट में पावर ट्रांसमिट होती है किसके द्वारा होती है? कैमशाफ्ट के द्वारा, पुश रॉड के द्वारा, कनेक्टिंग रॉड के द्वारा या फिर पिस्टन पिन के द्वारा? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कनेक्टिंग रॉड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर टैप्स यूज्ड फॉर? टैप्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है इसका, केवल आंतरिक चूड़ियाँ काटने के लिए, टू कट इंटरनल थ्रेड्स ओनली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ पीतल किसका एक मिश्र धातु है? तो राइट आंसर है कॉपर का एंड जिंक का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोचदार विकृति से बचने के लिए एक पदार्थ का गुण है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रेसिस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज। तो ऑप्शंस है, स्टिफनेस, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, स्ट्रेंथ। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, स्टिफनेस, कड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में प्रयुक्त टॉर्क कन्वर्टर किसका एक प्रकार है? तो टॉर्क कन्वर्टर इनमें से किसका प्रकार है जो ऑप्शन दिए हैं? मैकेनिकल कपलिंग का है, फ्लूड कपलिंग का है, न्यूमेटिक एक्चुएटर का है, रिजिड कपलिंग का है? तो राइट आंसर है इसका फ्लूड कपलिंग, जो टॉर्क कन्वर्टर होता है वो फ्लूड कपलिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवीटी इज अ टर्म रिलेटेड टू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म? तो बेसिकली सीवीटी की फुल फॉर्म बतानी है। तो सीवीटी की फुल फॉर्म होती है कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन।
तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे जो दिखाया गया है वह वाहन संचरण का एक हिस्सा है, इसे क्या कहते हैं? तो ये इमेज दिखाई गई है, ये कौन सा पार्ट्स है? फ्लेक्सिबल ज्वाइंट है, यूनिवर्सल ज्वाइंट है, क्रॉस ज्वाइंट है या फिर स्पाइडर ज्वाइंट है? तो जो इमेज है ये है यूनिवर्सल ज्वाइंट की, ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रोपेलर शाफ्ट में लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कार एक मोड़ ले रही होती है तो भारी पहियों को आंतरिक पहियों की तुलना में अंदरूनी पहिए, थोड़ा मिसप्रिंट है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। व्हेन अ कार इज टेकिंग अ टर्न द आउटर व्हील्स हैव टू ट्रेवल ग्रेटर डिस्टेंस देन द इनर व्हील्स, विच पार्ट ऑफ द व्हीकल प्रिवेंट स्केडिंग ऑफ व्हील्स इन सच केसेस? तो मीन्स इन चार पार्ट्स में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो व्हीकल व्हीकल के पहियों को स्किड करने से रोकता है? तो गेयर बॉक्स है, प्रोपेलर शाफ्ट है, डिफरेंशियल है या फिर क्लच है? तो राइट आंसर होगा इसका डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल का काम क्या होता है? जो प्रोपेलर शाफ्ट से पावर आती है वो दोनों टायरों में बराबर बांटता है, जब मोड़ काटेंगे तो जो इनर साइड का व्हील होगा उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और आउटर साइड के व्हील को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर देता है आउटर साइड के व्हील को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टाइप्स ऑफ टायर कंस्ट्रक्शन आर कॉमनली यूज्ड विच आर? तो इनमें से सामान्यतः कौन से दो तरह के टायर यूज़ किए जाते हैं? स्ट्रेट प्लाई एंड क्रॉस प्लाई, स्ट्रेट प्लाई एंड रेडियल प्लाई, क्रॉस प्लाई एंड रेडियल प्लाई, लॉन्ग प्लाई एंड शॉर्ट प्लाई। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस प्लाई एंड रेडियल प्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए के टायर की परिधि पर रबड़ जो सड़क के संपर्क में आती है डेडेस कहलाता है। तो जो टायर होता है हमारा बेसिकली, तो उसका कौन सा हिस्सा रोड के कांटेक्ट में रहता है? रिम रहता है, ट्रेड रहता है, लाइनिंग रहती है या बीड रहती है? तो जो टायर का ट्रेड हिस्सा, ट्रेड नाम होता है जो रोड से कांटेक्ट में रहता है टायर का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक टायर की हवा इस हद तक निकाल जाती है कि पहिया रिम का धातु वाला हिस्सा जमीनी स्तर को छू जाता है तो टायर को कहते हैं, कहा जाता है, तो वह टायर कहलाता है फ्लैट, सपाट हो जाता है क्योंकि उसमें एयर तो है नहीं टायर में और गाड़ी का पूरा लोड रिम पे आ जाता है, रिम रोड के कांटेक्ट में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया चित्र वाहन निलंबन प्रणाली में प्रयोग होने वाले स्प्रिंग को दर्शाता है, निलंबन मतलब सस्पेंशन सिस्टम में। तो ये कौन सा पार्ट्स है? कॉइल स्प्रिंग है, टॉर्सन बार है, लीफ स्प्रिंग है, फ्लेक्सिबल स्प्रिंग है? तो यह है लीफ स्प्रिंग, जिसको हम सामान्य भाषा में कमानी के पट्टे भी कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि बड़ी गाड़ियों में, बसों में या बड़ी गाड़ियों में या फिर स्कॉर्पियो और बुलेरो जैसी गाड़ियों में या लीफ स्प्रिंग देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम कमानी के पट्टे भी कहते हैं सामान्य भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिस्टन के निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? पीक, क्राउन, रिंग सेक्शन या फिर स्कर्ट सेक्शन? तो जो पिस्टन का निचला हिस्सा होता है उसको हम स्कर्ट सेक्शन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।